ये क्या कर दिया? हाँ तो गाइज, अभी जस्ट मैं ऑफिस से निकला हूँ और इट्स 7 इन द इवनिंग। आप लोग सोचते रहोगे कि सुबह से ब्लॉग क्यों नहीं किया, क्या है, क्या रीजन है। देखो यार, जब होना होता है ब्लॉग होता है, जब नहीं होने वाला रहता है तो नहीं होता है। एनीवेज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप लोग का स्वागत है टेक टीआरवी के ब्लॉग्स में। सो जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं सुबह सुबह बहुत सारा प्लानिंग किया था कि हाँ, आज ये वीडियो बनाऊंगा, आज वो वीडियो बनाऊंगा, आज मैं आपको मेरे ऑफिस का टूर दूंगा एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो सारी चीजों के ऊपर बात करने वाला था। बट द थिंग इज व्हाट कि यार, लेट हो रहा था ऑफिस के लिए और मैं उठा भी जल्दी था 7 बजे और मेरा और रोहन का कुछ प्लान था कि हम लोग जाके वॉक करेंगे, थोड़ा बहुत व्लॉग्स बनाएंगे एंड वॉक इज लाइक के एवरीडे स्टार्टअप करने के लिए। बट बारिश ने पूरा मूड खराब कर दिया सबका, सारे मुंबईकर्स का मेरे हिसाब से, क्योंकि बारिश जो सुबह से चालू हुई है 4-5 बजे से वो कंटिन्यू अभी तक है। और अभी मैं ऑन दी वे हूँ टू माई होम एंड उसके बाद देखते हैं कि ये जो व्लॉग मैंने अभी इवनिंग में चालू किया हूँ 7 बजे के आसपास, तो मैं कितना से कितना कंटेंट आपको दे सकता हूँ, कितने से कितना ज्यादा मैं आपको मिनट्स के वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि कल का जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए और सब लोग बिजी होंगे। नो डाउट मैं भी बिजी रहूंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कल भी बहुत सारे व्लॉग्स बनाऊं और 2 दिन के लिए जो इवेंट होने वाला है 2 दिन के लिए, सो उसमें भी मैं बिजी रहने वाला हूँ। सो अभी फिलहाल तो मैं निकल गया हूँ, फटाफट पहुंचता हूँ घर पे, बिकॉज आई हैव नो टाइम, आई हैव सो मेनी प्लान्स और मैं देखता हूँ कि आज मैं क्या क्या ब्लॉग कर सकता हूँ, क्या क्या आप लोगों को दिखा सकता हूँ। चलो फिलहाल तो मैं रोड पे हूँ और आप लोग टाइम लैप्स का मजा लो। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली बार वाला तो जो टाइम लैप्स था उसका काफी मजा लिया रहेगा और ये काफी सारी चीजें मैं इंस्टाग्राम पे आजकल लाइव होते जा रहा हूँ, मतलब कि एक्टिव होते जा रहा हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे छोटे छोटे मेरे स्टोरीज मिलते रहेंगे, तो वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है? तब तक टाइम लैप्स एंजॉय करो। अभी मैं फाइनली घर पे पहुंच गया हूँ और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर पे, थोड़ी देर फ्रेश होके एंड फिर से नीचे आऊँगा। क्यों? क्योंकि उसका वीडियो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अभी जस्ट मैं नीचे आया और नीचे आने का यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त से डेकोरेशन चल रहा है जो मैं अभी आपको बताने नहीं वाला हूँ। सो अभी जो मुझे काम है मैं वो काम करने जाता हूँ, इसका तो वीडियो आपको कल ही मिलेगा क्योंकि कल जो इवेंट वो टोटली लाइव होएगा और तो ये ब्लॉग आने के पहले ही शायद वो लाइव वीडियो आप लोग देखते रहोगे, है क्या नहीं? सो चलिए पहले जो मेरा काम है वो मैं करके लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और शायद धीरे धीरे मैं ये व्लॉग भी ख़त्म कर दूँ। तो जिस काम के लिए आने का था मैं वहाँ पे आ गया हूँ और अभी जो मैं आपको मिलूँगा कुछ 5 सेकेंड्स में, इन 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो कुछ इस तरीके से दिख रहा है मेरा लुक और यार कैसा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हो, बच्चा लग रहा हो, कैसा लग रहा हो, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया यार तो अच्छा नहीं लग रहा है, इतने लॉन्ग लॉन्ग हेयर रखा है, इतना बहुत सारा बियर्ड रखा है। और ये एक बात सच्ची है कि ये सब निकालने के बाद है ना काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि यार मेरे स्किन्स है, मतलब ठंडी ठंडी हवा जा रही है बालों से और काफ़ी हल्का महसूस होता है क्या नहीं? तो आप लोग के साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ रहेगा। सेकेंड चीज़, मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ हेयर और बियर्ड ट्रिम करने के लिए, लेकिन अर्बन क्लैप के थ्रू, जिससे कि आप लोगों को भी सर्विस के बारे में पता चल जाता था कि अर्बन क्लैप में अगर आप 500 रुपीज़ दे रहे हो हेयर कट और शेविंग के लिए तो यार क्या वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे पास टाइम नहीं था तो इसके वजह से भाई लोग मैंने लोकल शॉप में जाके हेयर कट कर लिया। मेरे को आप लोग से ना कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है ये, कैसा लग रहा है ये मेरा नया लुक। और मैं अभी रोहन को भी बुलाया हूँ और उसके बाद मैं घर पे भी जाके दिखाऊंगा ये लुक एंड उसमें मेरे मॉम डैड का भी रिएक्शंस रिकॉर्ड करूंगा एंड आप लोगों को भी शेयर करूंगा। एंड यहाँ पे रोहन भी आ चुका है मेरे आपसे बात करते करते एंड एज यू कैन सी ये क्या कर दिया, कैसा लगा? क्या बोलूँ, एकदम पतले दिख रहे और एकदम पतले, एकदम क्या फेस से एकदम पतले दिख रहे, मास निकल दे रहा, एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है मेरे को एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना है। फेस से एकदम पतले दिख रहे हो और क्या? हाँ फेस से एकदम पतले दिख रहे हो, पतला दिख रहा हो अभी, घास काट दिया और क्या, घास काट दिया, अरे घास है ना खेत, वो बोलते हैं ना घर की खेती,
तो बस वो घर की खेती वो कभी वापस आ जाएगी। लेकिन ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा थोड़े टाइम में, और जैसे कि जो मैं इवेंट के बारे में बोल रहा था, वो इवेंट कुछ इस तरीके से था कि जो गणपति मेरे मंडल है जो पप्पा वॉइस का, वो अभी लाइव हो रहा है और लाइव कल से होगा, और जब तक ये वीडियो आपको मिलेगा तब तक वो लाइव हो चुका रहेगा इसी चैनल के ऊपर। सो होप यू लाइक दैट ऑल्सो। सो अभी तो मैं जस्ट नहा के आ गया हूँ, क्योंकि बाल बनाने के बाद तो काफ़ी धोना नहाना पड़ता ही है। ऑलरेडी कोरोना का टाइम है तो यार ज़रूरत तो है क्या नहीं। ओके, और मैं जैसे कि बोला था रिएक्शन दिखाऊंगा मेरे मॉम की, तो मेरे मॉम का रिएक्शन मेरी तरफ काफ़ी अच्छा था एंड बहुत ही खुश हो गई थी। लेकिन मैं वो दिखा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरी मॉम को कैमरे पर आना नहीं है। और ओके, और ये काफ़ी छोटा सा ब्लॉग बनाया हो, उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करना और बहुत सारे लोगों को शेयर करना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सो गाइज लिव लॉन्ग लिव स्ट्रॉन्ग और लिव योर ड्रीम। जय हिंद।